अजीत पवार ने साफ किए इरादे, कहा मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद आखिरकार डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का कर दिया है खुलासा। अजीत पवार ने कहा कि वो महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते हैं ताकि जनता के कल्याण के लिए उनके पास जो योजनाएं हैं उसे लागू कर सके। अजीत पवार ने इस दौरान अपने चाचा शरद पवार का भी जिक्र किया। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार हमारे लिए देवता हैं, हम उनका आशीर्वाद मांगते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार का हिस्सा बनने वाले अजीत पवार ने 2014 में बीजेपी को मिली जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया और अजीत पवार ने यह भी कहा कि बीजेपी 2014 में सत्ता में केवल नरेंद्र मोदी के करिश्मे के कारण ही आई है।